नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लड़कियों की शादी और मातृत्व की आयु तय करने पर मंथन शुरू हो गया है। सरकार ने मातृत्व मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में एक बार फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सकती है, जो फिलहाल 18 वर्ष है। टास्क फोर्स लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के सुझाव के साथ उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन पर भी अपनी सिफारिश देगा। मालूम हो कि वित्त मंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते समय ही मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने का घोषणा की थी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 8 जून तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 7 जून को रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 8 जून को आसमान साफ रहेगा, जबकि 9, 10, 11 और 12 जून को बारिश होने की संभावना है। 8वीं के रिजल्ट में लापरवाही से छात्रों को हुआ नुकसान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की छोटी सी लापरवाही के कारण 8वीं कक्षा की परीक्षा में अनुपस्थित रहे विद्यार्थी को भी A+ ग्रेड मिल गया है। यह मामला सबसे अधिक धनबाद जिला में पाया गया। जैक ने बताया कि रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले टेस्ट लिंक पर काम किया जाता है, जो गलती से यह टेस्ट लिंक शाम 4 बजे से 6 बजे तक खुला रह गया और इस बीच कुछ स्कूलों ने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया, जो गलत रिजल्ट डाउनलोड हो गया। जैक ने बताया कि स्कूलों को सूचित कर दिया गया है और हुई गलती को तुरंत सुधार भी किया गया, इससे विद्यार्थियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड में आज 90 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा से 34, रामगढ़ से 21, पश्चिमी सिंहभूम से 5, जमशेदपुर से 6, गुमला से 10, रांची से 3, हजारीबाग से 3, लातेहार से 3, पलामू से 2, सरायकेला से 1, खूंटी से 1, लोहरदगा से 1 है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 938 से बढ़कर 1028 हो गई, जबकि 473 लोग स्वस्थ हुए और 7 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 246,622 है, जबकि 118,695 लोग स्वस्थ हुए, 6,946 की मृत्यु हो गई। रिम्स के न्यूरो विभाग के डॉक्टर और नर्स का लिया गया सैंपल। रिम्स के न्यूरो विभाग में एक संक्रमण पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद डॉक्टर व नर्स सहित 24 मेडिकल स्टाफ का सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि न्यूरो ICU में भर्ती कोकर निवासी की मौत हो गई थी। इसके बाद मरीज के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों की सूची तैयार की गई है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद प्रकाश नहीं रहे। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और सीनियर IPS ऑफिसर रहे वेद प्रकाश मारवाह का निधन हो गया। वेद प्रकाश 87 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस गोवा में ली। उन्हें मापुसा के आसिलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री मारवाह के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई नेताओं ने शोक प्रकट किया। हम आपको बता दें कि वेद प्रकाश मारवाह 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर रहे। झारखंड के श्रमिक बॉर्डर पर देंगे चीन को चुनौती। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को चुनौती देने के लिए झारखंड के श्रमिक बॉर्डर पर जाने वाले हैं। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर बात भी की। बताया जा रहा है कि झारखंड के दुमका जिला से अधिक मजदूर सीमा पर भेजे जाएंगे। हालांकि झारखंड के श्रम मंत्री ने कहा कि प्रदेश के श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन का काम करने नहीं भेजा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अब तक फैसला नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने चाहा है कि जल्द से जल्द 11,815 श्रमिक को सड़क निर्माण के क्षेत्र में पहुंचा दिया जाए। जल्द खुलेंगी कपड़ा की दुकानें। मंत्री वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार के जल्द फैसला के कारण आज स्थिति खराब हुई है। प्रवासी मजदूर जहाँ के तहाँ फंसे हैं और उनके कारण ही संक्रमण की रफ्तार भी पीक पर है। मंत्री श्री उरांव ने कहा कि झारखंड में कपड़ा दुकानें खोलने की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि कपड़े की खरीदारी करने आए हर व्यक्ति कपड़े को छूता है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना अधिक होती है, इसलिए राज्य सरकार इस पर सावधानी बरत रही है। उधर रांची में मेन रोड में कपड़ा दुकानों के कर्मचारी ने पत्नी से झगड़ा करने के बाद तनाव में आकर आत्महत्या भी कर लिया। शिक्षा मंत्री से मिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला। उन्होंने मंत्री से नियमावली लागू करने व अप्रशिक्षित पारा शिक्षक व पारा शिक्षक के बकाया मानदेय भुगतान की मांग की है। हम आपको बता दें कि 9 की बैठक में पारा शिक्षक के 2 प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। शादी विवाह के लिए थाना से ही मिलेगा परमिशन। शादी विवाह के लिए अब लोगों को जिला प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। शादी विवाह के लिए थाना से ही परमिशन ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि
आयोजनकर्ता को अपने निकटतम थाना में 100 घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की बात होगी। शादी में 50 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकते तथा शादी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी लोग मास्क या फेस कवर का प्रयोग करेंगे। बस चलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। झारखंड यात्री संघ ने मेन रोड से सिटी बस व ई रिक्शा चलाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने ऑटो व ई रिक्शा कैब टैक्सी की अनुमति दी है जो मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं, इसलिए बस के साथ ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी जाए ताकि गरीब जनता को यात्रा करने में आसानी हो। दुमका और बेरमो में उपचुनाव साथ कराने की तैयारी में चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने सितंबर अक्टूबर महीने में दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के उपचुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है। आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर यह साफ कर दिया कि 5 जुलाई की तय समय सीमा तक दुमका विधानसभा सीट पर उपचुनाव करा कर परिणाम घोषित करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा ने बेरमो 20 की खाली सीट पर भी उपचुनाव कराने की अनुशंसा चुनाव आयोग को भेज दी है। श्रमिकों को कौशल के मुताबिक रोजगार मिले, सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में तेजी के काम करने का टास्क राज्य के उपायुक्त को सौंपा है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को श्रमिकों की कुशलता पहचानने और क्षेत्र के उद्योगों की मानव संसाधन की जरूरत की मैपिंग करने का निर्देश दिया है ताकि श्रमिकों को उनके घर के आसपास ही रोजगार मिल सके। सीएम ने कहा कि मनरेगा में बिचौलियों की शिकायत मिली है, इसे चिन्हित कर कार्रवाई करे तथा श्रमिकों को समय पर भुगतान करे। सरायकेला में कुचाई सिल्क से बदल सकती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। सरायकेला का लड्डू और कुचाई सिल्क ऐसा उत्पाद है जो सरायकेला खरसावा की पहचान बन गई है। यहाँ के स्थानियों से पूछने पर दोनों उत्पाद सर्वप्रथम बताए जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार यदि प्रशासन व सरकार इसके प्रति ध्यान दे तो गाँव की अर्थव्यवस्था की सूरत बदल सकती है। उधर सरायकेला खरसावा जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। झारखंड के 73 लाख महिलाओं के जनधन खातों में मिल रहा 500 की राशि। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तीसरी किस्त की 500 रुपये की राशि झारखंड के 73 लाख महिलाओं के जनधन खाता में भेजी जा रही है। हम आपको बता दें कि यह राशि 5 जून से लेकर 10 जून तक भेजी जानी है। वैसे खाताधारक जिनकी खाता के आखिरी अंक 0 से 1 है उन्हें 5 जून तथा जिनके आखिरी अंक 8 से 9 है उनके खाता में 10 जून को भेजी जाएगी। खाताधारक अपने इच्छा अनुसार पैसा निकासी कर सकते हैं। रामगढ़ में अगले आदेश तक मांस मछली की बिक्री पर रोक। रामगढ़ शहर के बाजार को सुव्यवस्थित तरीके से खोलने को लेकर जिला प्रशासन की बैठक हुई। इस बैठक में एसपी, एसडीओ, डीटीओ, अन्य पदाधिकारी द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से बाजार को खोलने पर चर्चा हुई और फिलहाल अगले आदेश तक के लिए छावनी परिसर क्षेत्र में मीट, मुर्गा व मछली बेचने पर पाबंदी लगा दिया गया है। उधर रामगढ़ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शनिवार को भाई की हत्या मामले में जेल के बंदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जमशेदपुर विवेंस कॉलेज के यूजी पीजी की परीक्षा 8 जुलाई से। जमशेदपुर विवेंस कॉलेज में परीक्षा बोर्ड की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य शुक्ला महंती ने की। इस बैठक में परीक्षा संबंधी निर्णय लिया गया जिसमें आगामी 8 जुलाई से स्नातक के 6ठे तथा पीजी के सभी विषयों के 4थे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा 2 पालियों में 2 घंटे के लिए होगी जो कि 8 जुलाई से शुरू की जाएगी। लोहरदगा में महिलाओं ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस अभियान में महिलाओं ने लोगों के घर जाकर उनके घर में अवैध रूप से बने शराब के साथ महुआ भी नष्ट किया। ग्रामीणों के अनुसार प्रवासी मजदूर गांव में घूम घूम कर शराब का सेवन कर रहे हैं जो गलत है। उन्हें होम क्वारंटाइन की अवधि तक अपने घरों में ही रहना है, इसी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। 22,000 किसानों को धान बिक्री का पैसा नहीं मिला। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के करीब 22,000 किसानों को अब तक पैसा नहीं मिला है। ऐसे में किसानों के सामने खरीफ फसल की बुआई को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। पिछले साल की फसल का पैसा नहीं मिलने से वे धान की बीज की खरीदारी नहीं कर पा रहे, जबकि सभी जगह पर धान बीज की खरीदारी शुरू हो गई है।
विभाग का कहना है कि सभी के खाते में पैसे जा रहे हैं, थोड़ी वक्त लग सकता है लेकिन प्रयास है कि सभी को जल्द पैसा मिल जाए। झारखंड के 7 जिला जहां सभी पॉजिटिव प्रवासी मजदूर। झारखंड में संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में 7 जिला हैं जहां संक्रमण पॉजिटिव सिर्फ प्रवासी मजदूर हैं। अच्छी खबर यह भी है कि 5 जिले ऐसे भी हैं जहां फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है, यहां के सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। झारखंड के 7 जिले में कोडरमा, दुमका, लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, खूंटी और साहिबगंज सम्मिलित हैं जहाँ सभी पॉजिटिव मरीज प्रवासी मजदूर हैं। टिड्डियों से बचाव के लिए किसानों को करें जागरूक DDC। टिड्डी दल के हमले की आशंका को लेकर उप विकास आयुक्त अनयन मित्तल की अध्यक्षता में विकास भवन में बैठक की गई। इसमें DDC ने कहा कि जिलों में टिड्डियों के आक्रमण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसानों को इसके बचाव हेतु जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक के भंडार तथा रसायनों की उपलब्धि सुनिश्चित करें। नक्सलियों की सूचना जुटाने के लिए स्पेशल ब्रांच 5 जिलों में खुलेगी दफ्तर। झारखंड में नक्सलियों की बढ़ोतरी व संगठनों की सक्रियता बढ़ गई है, जो कि संगठनों की आंतरिक सूचनाओं के संकलन में कई जिलों में बाधा आ रही है। इसे देखते हुए राज्य पुलिस की विशेष शाखा 5 जिला अनुमंडल में विशेष शाखा के दफ्तर खोलेगी। हम आपको बता दें कि विशेष शाखा हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और पलामू जिलों में खोले जाएंगे। उत्तर में फंसे मजदूर एयरलिफ्ट तथा पूर्वोत्तरी वाले को ट्रेन से वापसी की तैयारी। राज्य सरकार ने कई स्थानों पर फंसे झारखंड के श्रमिकों को वापसी में जुटी है। ऐसे में रीपंजीकरण में 17,500 श्रमिकों ने दोबारा पंजीकरण कराया है, जिसे जल्द वापस लाने की तैयारी में सरकार जुटी है। आपको बता दें कि 115 श्रमिक को एयरलिफ्ट किया जाएगा, जबकि विशेष ट्रेन के द्वारा शेष को लाया जाएगा। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने दिए 500 मास्क। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने मास्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बैंक के इस निर्णय के तहत रांची क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक ने रांची के DDC को उनके कार्यालय में 500 मास्क उपलब्ध कराया, जो मजदूरों के लिए उपलब्ध कराया गया है। चतरा, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग न्यूज। चतरा जिला के पिपरवार थाना क्षेत्र से 5 लाख का इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया, जो पत्नी से मिलने आया था। उसके पास से 1,16,000 और 4 मोबाइल भी बरामद किया गया है। कोडरमा का युवक जो पॉजिटिव निकला, वह क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर कई दुकानों में खरीदारी किया है, व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। रामगढ़ निवासी जिसके पास 3 तला मकान, AC और खुद का गाड़ी है, वह भी गरीब का अनाज लेता है, जो कि छापेमारी में पकड़ा गया। हजारीबाग में 15 ट्रैक्टर बालू जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक